आज हम लोग क्लास से एक का ज्योग्राफी पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। पहला जो भाग है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग पढ़े हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल अर्थात तो प्राकृतिक रिसोर्सेज संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। हम लोग पढ़े थे कि प्रकृति के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन वो तब तक बेकार है, संसाधन नहीं बन सकती जब तक मनुष्य उसका उपयोग न करे। तो प्राकृतिक संसाधनों को संसाधन बनने के लिए मानव संसाधन का होना अति आवश्यक है, ठीक। मानव संसाधन अर्थात वे मनुष्य जो आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर देश की आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और धन कमाने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो वैसे तो प्राकृतिक संसाधनों को कई बेसिस पर अर्थात आधारों पर बांटा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ खास पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले आता है रिन्यूबिलिटी अर्थात तो दोबारा प्रयोग, ठीक है। दोबारा प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रिन्यूएबल अर्थात तो पुनर्चक्रित, अर्थात ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं या बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट, सूरज के प्रकाश की शक्ति, सोलर एनर्जी, वाइन एनर्जी, वाटर एनर्जी, इनका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। या फिर जो फील्ड है अर्थात खेत है उसके अंदर जो उपजाऊ क्षमता है उसका एक बार उसमें फसल उगा कर दोबारा उसमें फसल उगा सकते हैं अर्थात उसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल अर्थात अचक्रित, जिसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग करने के बाद वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जैसे कि पेट्रोल है, कोल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब हम लोग एक बार उसका प्रयोग करते हैं तो वो पूरी तरह एक्सहॉस्टेड हो जाता है अर्थात पूरी तरह नष्ट हो जाता है, दोबारा हम उसका निर्माण नहीं कर सकते। और ऐसे तत्वों को बनने में काफ़ी लंबा समय गुजरता है या बहुत जल्दी बनता भी नहीं है, इसलिए हमें इसका कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो ये हो गया है बेसिस अंडर रिन्यूएबिलिटी अर्थात उसके दोबारा पुनः प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। दूसरा पॉइंट आते हैं बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज और दूसरा होता है एक्चुअल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हमें हम उन संसाधनों को कहते हैं जिसका अभी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उसका प्रयोग ऊर्जा के संसाधन के रूप में अत्यधिक मात्रा में किया जा सकता है, जैसे कि सनलाइट, सोलर एनर्जी जो है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है वो खत्म होने वाली नहीं है और अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। हमें ये भी नहीं पता कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कितनी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये जानते हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में है और उसका प्रयोग हम लोग आगे चलकर टेक्नोलॉजी के विकास के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और जिनकी मात्रा हमारी पृथ्वी पर निश्चित है और धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसे कि कोल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैस है, इटीसी, ये सब के सब एक्चुअल रिसोर्सेज हैं जो इस पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में हैं और उसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब तीसरे जाते हैं तो बेसिस ऑफ ओरिजिन अर्थात उसके तत्व के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, इटीसी, ये सब के सब बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अबायोटिक। अबायोटिक जैसे कि लैंड, भूमि, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, सनलाइट, इटीसी, ये सब के सब अबायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। ये हो गए कुछ खास क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे के आधार पर। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के कुछ खास हिस्सों में कुछ खास प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं,
ठीक है, या सॉरी कुछ ऐसे खनिज पदार्थ, कुछ ऐसे संसाधन है जिसका उपयोग हर जगह पर किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन, हवा जो है वो सबके लिए है और सब लोग उसका उपभोग करते हैं, तो उसी हम लोग कहते हैं बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। ओके, अब आता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज मतलब स्थानीय संसाधन। हम जानते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में कुछ खास जगहों पर खास प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिनरल्स उपलब्ध हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये कुछ खास जगहों पर ही उपलब्ध है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के नाम से अर्थात स्थानीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्राकृतिक। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ, यानी कि मानव संसाधन। इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ कि वे लोग, देश के वे समस्त लोग जो आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेकर धन कमाने का काम करते हैं और देश में आर्थिक योगदान देते हैं, उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, हर वो व्यक्ति जो आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेता है अर्थात धन कमाने का काम करता है, किसी प्रकार का व्यवसाय करता है, वो मानव संसाधन कहलाता है। अब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अगर देखेंगे तो मनुष्य जो है जो भी प्राकृतिक तत्व प्राप्त होते हैं उसका रूपांतरण करता है, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, रबर है, इत्यादि जो है इलेक्ट्रिक सामान है, इन सब का प्रयोग वो अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार या टेक्नोलॉजी के अनुसार, तकनीक के अनुसार करता है और बदल कर उसका उपयोग करता है। तो ये सब के सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इन खनिज पदार्थों का, इन संसाधनों में भी कमी आ रही है। ठीक है, और अगर ऐसे ही अविवेकपूर्ण तरीके से इसका हम लोग प्रयोग करते रहें तो ये बहुत तेजी से ख़त्म हो रहे हैं और इसका अंत हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करें और साथ ही साथ इसका संरक्षण करें। तो इन सभी चीज़ों के संरक्षण के लिए, इन संसाधनों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ तौर तरीके अपनाने चाहिए। जैसे कि हम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस मतलब कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कहीं आसपास जाना है या नज़दीक जाने हैं तो हमें जो सार्वजनिक संसाधन है, जैसे कि साधन है, जैसे बस है या फिर ट्रेन है, इसका उपयोग करना चाहिए। आसपास जाना है तो पैदल या फिर साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, बाइक या फिर कार का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरा होता है रिसाइकल। जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं जिसका रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि शीशा है, प्लास्टिक है, कागज है, इनका हमें रिसाइकल करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए और उसका दोबारा प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम लोग सेव कर सकते हैं अर्थात और इलेक्ट्रिसिटी, जब जरूरत हो तभी हम लोग विद्युत का प्रयोग करें और जरूरत न होने पर जो स्विचेस होती हैं बल्ब के, लाइट्स के, फैंस के या रेफ्रिजरेटर के, उनको बंद रखें। तो इस तरीके से हम लोग इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं अर्थात संरक्षण कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर और इसमें से ज़्यादातर जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज को छोड़कर, वो सब के सब निश्चित मात्रा में इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं और वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे अगर ऐसे ही प्रयोग किया जाए तो, क्योंकि इस समय जनसंख्या बढ़ने के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत तेज़ी से डिप्लेस हो रहे हैं अर्थात तो इनका पतन हो रहा है। तो हमें अपने विवेक का, अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके इनका संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये उपभोग करने को मिल सके। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा निशान खत्म होता है। इसकी एक्सरसाइज आप पूरा कर लेंगे और जो आपको समझने आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।